मेरी क्या थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, मेरी वाइफ है वो इंग्लिश मीडियम की है। जब मैं मारवाड़ी में सरकाता हूं तो उसके पल्ले नहीं पड़ती, जब वो इंग्लिश में गिटपिट करती है तो अपने पल्ले नहीं पड़ती। इस प्रकार भगवान शांतिनाथ की कृपा से हमारे घर में बहुत शांति रहती। एक दिन मैंने उसको लाड लाड में कह दिया, तू तो गेली है। अब वो समझे नहीं इंग्लिश मीडियम वाली। उसने मेरे से पूछा, व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अब मैं मारवाड़ी आदमी हूं, ये थोड़ी बता देता है गेली का मतलब होता है बेवकूफ बावली। अरे मैंने कहा, उसने पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली, अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वो तो खुश हो गया, मेरे गले लिपट गई, बोली देन यू आर आल्सो वेरी गेला। हर भाषा का अपना अपना मजा है। मैं आपको मारवाड़ी टेस्ट के साथ कुछ मजा लगाऊंगा। मैं गांव का आदमी, आजकल जयपुर रहने लग गया। जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। आप आए हो, आप देखना, जयपुर बहुत शानदार जगह है। आपको भी आनंद आएगा, जब समय मिले तो आप सीखने के साथ साथ जयपुर देखना। यहाँ पास में ही आमेर का किला है। आमेर के किले पे एक तोप है, उसका नाम है जयबाण। में गांव से फर्स्ट टाइम आया, वाइफ को लेके आया, घूम रहा था, तो मेरे को गार्ड ने वो तोप दिखाते हुए कहा, मारवाड़ी जी ये देखो, आपको स्पेशल चीज दिखाता हूँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। और मैंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया चीज है, राजस्थान में, वो भी जयपुर में, दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। बोले हाँ। तो मैंने कहा रुको, मैं मेरी वाइफ को भी बुला के लाता हूँ। मैं वाइफ बच्चों को बुला के लाया, वाइफ आई, गार्ड को मैंने कहा आप दोबारा बताओ, बोले ये दुनिया की दूसरी बड़ी तोप है। अभी एक कह रहा था मैं डरता नहीं हूं, कुछ भी कह दो, और बीबी क्या सिर दर्द है, ऐसा सिर दर्द दर्द कुछ नहीं, आप प्राण छुटा के आए हो इसलिए चार दिन के लिए आपको लग रहा है। आप बाकी चार दिन बाद तो आपको उसी अनाथ आश्रम में जाना है ना। अरे लुगाई चार दिन अगर पीर चली जाए तो जिसको आनंद वन छोड़ के गया ना चित्रकूट, वो आपस जब पदार्थ हो ना लुगाई के बिना, तो आप उस घर को ढाई दिन का झोंपड़ा बना के रखते हो, है ना। तो उसके बिना कुछ नहीं। हालांकि सास ससुर है वायरल, बीबी सर्द जुकाम, साड़ा तो सिर दर्द है पर साड़ी झंडू बाम। तो ये घर परिवार के रिश्ते। मैं जयपुर रहने लग गया। जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। अब आजकल मेरी घरवाली को जयपुर में आने के बाद शहर का कल्चर पसंद आ रहा है। मैं जिस पार्टी में जाता हूं वो मेरे साथ जाती है, तो वो पिंक साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा ऐसा क्यों, बोले तुम मर्द लोग नहीं जानते, इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैंने कहा वेरी गुड, गुलाबी नगर यानी जयपुर पिंक सिटी में पिंक साड़ी, इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैंने कहा वेरी गुड। मैं पिछले दिनों लाल किला गया, वो लाल साड़ी पहन गई। राहुल जी इसे कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीली बंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। भाई साहब मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। कौन रिस्क ले जी बिना मतलब की। तो अपन, मैं सेफ जोन में चलने वाला आदमी हूं, मारवाड़ी आदमी हूं, मेरे को इतनी अक्कल तो है कहां अपने रिस्क है कहां नहीं है। अरे हालांकि मैं लुगाई पे ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं तो भी बात करता हूँ, मेरे पास कोई इनको इजाजत है। अरे बोले भाई साहब बीबी की बड़ी इज्जत करनी चाहिए, ये भगवान का प्रसाद है, इसको बड़ी इज्जत से, बड़ी शान से, बड़े मतलब वो रखना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने कहा एक बात बताओ, लुगाई अगर भगवान का प्रसाद है तो फिर मेरे को ये भी बताओ, आजकल जो गर्लफ्रेंड होती है वो फिर क्या है। अगला आदमी और भी होशियार। मैंने कहा अगर बीबी भगवान का प्रसाद है तो आजकल जो गर्लफ्रेंड होती है वो क्या है। बोले है तो ये भी प्रसाद, पर ये भैरून जी का प्रसाद है, और आप लोग जानते होंगे भैरून जी के प्रसाद को कभी घर नहीं लाना चाहिए, बड़ा दोष लगता है।